हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं रावा डोसा बनाने जा रही हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके लिए जो जो चाहिए मैंने सब निकाल के रखा है। मैंने इसके लिए 1 कटोरी सूजी लिया है, 1 कटोरी सीमिया लिया है, और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। और इसके लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, और थोड़ा सा गाजर को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 3 से 4 ग्रीन चिली को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है, और थोड़ा सा जिंजर को ऐसे ग्रेट करके रखा है। तो मैं पहले सीमिया को थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मतलब आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। मैं कैसे बनाती हूँ आज चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो चुका है। मैं इसमें सीमिया को डालूंगी, बस थोड़े टाइम के लिए ही, मतलब 5 मिनट के लिए ही मैं इसको फ्राई करूंगी। धीमी आंच पे ही इसको हम फ्राई करेंगे। इस रावा डोसा में मैं सीमिया का भी इस्तेमाल करूंगी। थोड़ा सा ही इसका कलर चेंज होना चाहिए दोस्तों। चार से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, सीमे का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब मैं इसको ऑफ कर लूंगी। हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सीमिया को एक बाउल में निकाल लिया है। उसके हिसाब से मैं सूजी को भी इसमें डाल लूंगी, और जो मैंने काट के रखा था गाजर, जो जिंजर और ग्रीन चिली और जो धनिया पत्ता भी मैंने निकाल के रखा था वो भी हम इसमें डाल लेंगे। अब नमक भी हम इसमें स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रख लेंगे। देखिए दोस्तों, अब सब मिलाकर हम 15 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम मैंने एक बड़ा वाला पीतल का तावा लिया है, उसमें हम मैं डोसा बनाऊंगे। इसको ऐसे ही 15 मिनट तक छोड़ देते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं भूल गई थी, इसमें मैंने 1 स्पून जीरा भी डाला है। जीरा डालने से रावा डोसा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हेलो दोस्तों, जब तक मेरे डोसे का बटर रेडी होता है तब तक मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने 4 से 5 आलू को ऐसे
बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। 2 ग्रीन चिली को काट के रखा है, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को लिया है, और रिफाइंड ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और रेड चिली पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा जीरा भी मैंने लिया है, और 3 टमाटर को ऐसे काट के रखा है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। गर्म होने के बाद हम 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे इसमें। मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। सरसों और जीरा जो निकाल के रखा है इसमें डालेंगे। ग्रीन चिली भी डाल लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। जो सब मैंने निकाल के रखा था मसाला, रेड चिल्ली, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक डाल लेंगे। टमाटर थोड़े से पकने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी बॉईल हो चुका है ना। दो मिनट के लिए हम इसको ढक लेंगे। देखिए दोस्तों, टमाटर थोड़ा थोड़े अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें सारे आलू डाल दूंगी।
थोड़ा सा पानी डालना है। जो कस्तूरी मेथी मैंने निकाल के रखा था इसमें डाल लो। अब हम इसको 15 मिनट तक ढक लेंगे। पंद्रह मिनट हो चुका है दोस्तों। देखिए मेरी आलू की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। कितना अच्छा दिख रहा है ये रोटी के साथ और डोसे के साथ, दोनों के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। विथआउट ऑनियन और गार्लिक के बिना भी हम अच्छे से सब्जी बना सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। मैं ऑफ कर रही हूँ अभी। देखिए दोस्तों मेरे रावा डोसे का बटर रेडी हो चुका है। हम इसमें अब एक एक करके डालेंगे। गरम हो जाने के बाद इसमें तेल डालेंगे, इसे ऐसे हिला देंगे। ढक लेंगे दोस्तों। 10 मिनट के बाद अब हम इसको देखेंगे। रावा डोसा थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। अब हम इसमें एक एक करके डालेंगे दोस्तों। 10 मिनट लगता है एक रावा डोसा के लिए। इसको हम लोहे के तावे में और पीतल के तावे में भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन आज मैं नॉनस्टिक में बना रही हूँ। थोड़ा सा और बनेगा, नहीं बना है। देखिए दोस्तों मेरे यहाँ रावा डोसा और आलू की तरकारी बनके तैयार हो चुकी है।
अगर आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।